हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपने सैमसंग के फ़ोन में जो नोटिफिकेशन वाइब्रेशन होता है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, नोटिफिकेशन वाइब्रेशन को चेंज करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इस वीडियो को हम सिंपली शुरू कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, हम सैमसंग का फोन, सैमसंग के फ़ोन की मोबाइल सेटिंग्स होती है उस सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। तो सिंपली हम सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। गाइस, सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको जिस तरीके से इंटरफेस शो होता हुआ, तो हमको नीचे से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो हम साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद कुछ तरीके से आपको ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन वाइब्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से अपने जो नोटिफिकेशन वाइब्रेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसलिए जैसे कि हमको कोई सही वाइब्रेशन सेट करना है, तो जैसे हम मीडियम पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो हमारा मीडियम वाइब्रेशन करेगा हम इस पर बैक कर देंगे। बैक करने के बाद जो हमारा नोटिफिकेशन वाइब्रेशन है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए अगर जैसे हमको दूसरा लगाना है टिकटॉक, तो हम टिकटॉक पर क्लिक कर दिया, टिकटॉक पर क्लिक करने हम बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद आपका जो नोटिफिकेशन वाइब्रेशन है चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन वाइब्रेशन भी चेंज कर सकते हो सैमसंग के फोन में। तो वैसे आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।